दुर्घटना में एक नाबालिग छात्रा ने बच्चे को जन्म दिया है। सदर अस्पताल में उसने एक बच्चे को जन्म दिया। आरोप है कि रिश्ते के चाचा ने ही धमकी देकर उसके साथ संबंध बनाया था, लेकिन नाबालिग ने डर से घर वालों को इसकी जानकारी नहीं दी। फिलहाल पुलिस केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। देखिए कैसे रिश्तों का कत्ल यहां पर किया गया। चाचा जो था उसी ने अपने भतीजे के साथ दुष्कर्म किया और डराया धमकाया कि अगर किसी को बताया तो जान से जाओगी। इसके बाद बच्ची डरी रही, आखिर में उसका गर्भ ठहरा और अब उसने बच्चे को जन्म दिया। जब पेट दर्द की शिकायत उसने की, उसके बाद अस्पताल ले जाया गया तो पता चला कि वो गर्भवती थी, उसने बच्चे को जन्म दिया है और ये पूरा मामला उसके बाद सामने आया। क्रिश्चियन सरकारी स्कूल की एक बच्ची कल शाम में 7 बजे हमारे सदर अस्पताल में इमरजेंसी में लाई गई थी। डॉक्टर जो उपस्थित थे उन्होंने डॉक्टर सुनील कुमार की स्कूल में उसकी जांच की, उसका कंप्लेन था पेट दर्द का शिकायत लेकर आई थी। जब जांच किया गया तो ये उसके गर्भवती होने के बाद पता चली और 1 घंटे बाद 8 बजे उसने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। इसका वजन 2 kg है, लेकिन चूंकि माँ का उम्र कम है इसलिए हमने बच्चे को ऑब्जर्वेशन एजेंसी में रखा है। CWC और पुलिस की टीम आई थी और वो लोग अपना आगे की कार्रवाई करें मामले की। ये मामला उस वक्त सामने आया जब एक महिला अपने बच्ची को लेकर पहुंचती है और बताती है कि इसके पेट दर्द इसको हुआ है। उसके बाद जब चिकित्सक जांच शुरू करते तो बताती है कि तो गर्भवती है और उसके बाद तुरंत फिर उसका प्रसव करवाया जाता है। फिलहाल जानकारी तो यह है कि जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ है, लेकिन फिलहाल ये लड़की पढ़ना चाहती है और अब यह पूरा मामला सामने आने के बाद उसने बताया कि कैसे उसके साथ दुष्कर्म हुआ था और दुष्कर्म करने वाला कोई और नहीं बल्कि चाचा था। और अब फिलहाल पुलिस आगे कार्रवाई में जुटी है। और किशोर इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। किशोर फिलहाल की स्थिति क्या है, क्या अपडेट है, ये बच्ची कैसी है फिलहाल और अब आगे पुलिस या जो CWC है वो किस तरह की कार्रवाई में जुटी है? जी मैं बताना चाहूंगा, जानकारी देना चाहूंगा दर्शकों को कि जिले के प्रतिष्ठित सरकारी स्कूल में 8वीं की छात्रा एक बच्चे को जन्म दिया है। छात्रा 9 महीने तक गर्भवती रही, लेकिन उसका कनेक्ट ना तो स्कूल प्रबंधन को हुआ ना परिजनों को हुआ। यह मामला अचरज में डाल देने वाला है, जबकि पेट दर्द की शिकायत को लेकर छात्रा को स्कूल प्रबंधन के द्वारा शुक्रवार की देर रात अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहाँ छात्रा ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया है। जबकि पीड़िता छात्रा ने बताया है कि रिश्ते के चाचा ने उसे डरा धमका कर और जान से मारने की भी धमकी दिया जाता था। और पीड़िता ने यह भी बताया है कि 1 वर्ष पूर्व से ही हमसे ये शारीरिक संबंध बना रहा था और हमारी जो पीड़िता है उसकी माँ का देहांत लगभग 15 से 16 महीना हो गया और वही हो गया था। उसके 3 महीना के बाद में रिश्ते के चाचा ने ही इसका दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। मतलब सिंपैथी यानी कि सहानुभूति देने की आड़ में ये चाचा कुछ और ही कर रहा था। तो फिलहाल जो बच्ची है वो अब क्या करेगी, मतलब क्या तय किया उसने, बच्चे को संभालेगी वो या पढ़ेगी, क्या कह रही वो? देखिए भाई इस मामले में पुलिस जांच में जुट गई है और सदर अस्पताल के उपाध्यक्ष अनुपम किशोर ने भी बताया है कि छात्रा ने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है, लेकिन छात्रा की उम्र कम होने के स्थिति में उसे चिकित्सकों के देखरेख में रखा गया है। फिलहाल CWC संज्ञान में लेते हुए जो नाबालिग बच्ची है और जो नवजात बच्चे है उनको अपने संरक्षण में लेने की बात कही है जी। और जो जो आरोपी जो राक्षस जो चाचा है, जो रिश्तों को संस्कार करने वाला चाचा, वो कहाँ भी है जी? जहां तक थाना प्रभारी ने भी बताया कि इस मामले को लेकर संज्ञान लिया गया है और छापेमारी की जा रही है, मगर फिलहाल जो चाचा है रिश्ते में वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है जी। चलिए शुक्रिया किशोर हमारे साथ जुड़े, आप जानकारी आपने दी। तो देखिए कुछ ऐसे भी कुकर्मी हमारे समाज में हमारे बीच में होते हैं और देखिए उनका मन कैसा बढ़ता है कि उसके बाद मन बढ़ने के बाद एक बच्ची के साथ ऐसा होता है और वो पेट दर्द समझती है, उसे पेट दर्द के साथ वो जाती है अस्पताल तो पता चलता है कि उसका गर्भ ठहरा हुआ है, वो बच्चे को जन्म देती है। सोचिए कैसे कैसे निर्दयी कैसे कैसे पापी हमारे समाज के बीच घूम रहे हैं। और सही कहा जाता है कि इसलिए लोग कहते हैं कि अगर बेटी आपके पास हो तो आपकी चिंता कितनी बढ़ जाती है कि जो चाचा आपका है, जो आपका रिश्तेदार है, जो आपके पिता की तरह होता है, उसकी भी नियत आप पर गंदी हो सकती है। और इसलिए जो माताएं होती हैं अपने बच्चों को लेकर इतना चिंता करती हैं, ऐसे लोगों को सरेआम कुछ सजा दी जाए, तभी ऐसे लोगों की तादाद में कमी आ पाएगी।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।